नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृतिका शिक्षा यूनिट है और ये चैप्टर 12 है, यानी चैप्टर 12 पार्ट 12 में है नई प्रार्थना। एक प्रार्थना है कि ये एक प्रार्थना है जो कि इसके कवि यात्री हैं, जो लेखक है उसके नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनके लेखक हैं, ये प्रार्थना के लेखक, यानी एक कविता है। कविता के माध्यम से जो छोटी बच्ची है ना, छोटे बच्चे अपने मन में क्या क्या ख्याल रखते हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया है। ठीक है, यहाँ पर कविता पढ़ने से पहले हम लोग शब्दार्थ से कुछ जान लेते हैं, अगर शब्दार्थ जानेंगे तो कठिन शब्द को पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रार्थना, क्या ये प्रार्थना, प्रार्थना का मतलब है विनती। ठीक है, हम लोग जैसे कि क्लास में या कक्षा में कभी कभी हम लोग अपने शिक्षक से प्रार्थना करते हैं कि सर हमें वहाँ खेलने जाने देना या हमें गेम खिलाना, करके विनती करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रार्थना। ठीक है, और कई प्रकार के प्रार्थना है, जैसे कि हम लोग सुबह स्कूल जब आते हैं तो प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और घर में भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो इस तरह से ही प्रार्थना का मतलब विनती करना। ठीक है, उसके बाद में शक्ति, शक्ति का मतलब क्या है, ताकत, यानी हम लोग खाना खाते सब हमें उनसे क्या मिलती है, ताकत। ठीक है, नव, नव का मतलब क्या है, आकाश, आकाश को हम क्या बोलते हैं, नव। ठीक है, उसके बाद में खाद, खाद का मतलब है तड़क भड़क, यानी खाद के सामने रहना, उसको बोलते हैं खाद। आशीर्वाद, आशीर्वाद का मतलब है आशीष, जैसे कि हम लोग माता पिता को प्रणाम करते हैं या फिर भगवान को प्रणाम करते हैं, तो उनसे हमें क्या मिलते हैं, या गुरुजनों को प्रणाम करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं या आशीष देते हैं। ठीक है, उसके बाद में फूल जाना, फूल जाना का मतलब है बहुत खुश होना, यानी कोई भी बच्चे कभी कभी उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, यानी खुशी से वो चिल्लाते हैं और कुछ करते हैं, उसको बोलते हैं बहुत खुश होने को बोलते हैं फूल जाना। उसके बाद में वायुयान, वायुयान का मतलब है हवाई जहाज, जो ऊपर में हवा के ऊपर में हवा में चलते, ठीक है, हवा में जाते हैं तो उसको बोलते हैं हवाई जहाज, उसको बोलते हैं वायुयान। प्रसाद, प्रसाद का मतलब है कृपा। ठीक है, प्रसाद का मतलब कृपा, यानी किसी के ऊपर हम कृपा करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रसाद। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं नई प्रार्थना। नई प्रार्थना, नई प्रार्थना पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर है, क्या आपके मन में भी छोटी छोटी इच्छाएं उठती हैं, जैसे कि छोटे बच्चे के मन में बहुत सारी इच्छाएं उठती हैं जिन्हें आप आसानी से पूरा करना चाहते हैं, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं कि उसको आसानी से पूरा करना चाहते हैं, यानी छोटे बच्चे रहते हैं उनके मन में बहुत सारे इच्छाएं उठती है, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, उनके मन जब इच्छाएं कर नहीं पाते तो उनके मन क्या हो जाता है, कभी कभी उदास भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर है, जिन्हें आप आसानी से पूरा करना चाहते हैं, माँ का गुस्सा न करना, पिता का लाड़ प्यार, बिना किसी की रोक टोक के ढेर सारी मिठाई खाना, यानी माँ कभी अपने ऊपर गुस्सा न करे, ऐसे इस तरह से इच्छा रहती है बच्चों के मन में। फिर पिता का लाड़ प्यार, पिता का लाड़ प्यार हमेशा बने रहे, ना कि डांटे वो, उन करके छोटे बच्चों के मन में ये क्या रहती है, इच्छा रहती है। ठीक है, बिना किसी की रोक टोक के ढेर सारी मिठाई खाना, यानी हम लोग ऐसे कुछ खाते रहे तो कोई बीच में आके ना टोके, इस तरह से बच्चे के मन में ढेर सारी इच्छाएं रहती है। आसमान में पक्षियों की तरह उड़ना तथा कक्षा में बिना मेहनत के प्रथम आना, यानी आसमान में जैसे पक्षी उड़ते हैं उसको देख करके बच्चे के मन में क्या होता है, क्या अच्छा होता है कि वो भी आसमान में पक्षियों की तरह उड़े या उड़ते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाएं, वैसे इच्छा बच्चे के मन में होती है। फिर क्या कहते हैं यहाँ पर, बिना मेहनत के प्रथम आना, यानी कक्षा में बिना मेहनत के प्रथम आ जाना, यानी खेलते कूदते बिना पढ़ाई के प्रथम आना, बच्चे के मन में बहुत सारे ऐसे इच्छा रहती है। ठीक है, आपकी ये सभी इच्छाएं होंगी तो बच्चे के मन में ये सब सारी इच्छाएं होती रहती है, होती भी है। ठीक है, ये सभी इच्छाएं हालांकि इतनी आसानी से पूरी नहीं हो सकती, तो ये जितने भी इच्छाएं आसानी से पूरी नहीं हो सकती, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आसमान में उड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत मेहनत और बहुत मेहनत, सहनशील और धैर्य देना पड़ता है। ठीक है, ये सभी इच्छाएं हालांकि इतनी आसानी से पूरी नहीं हो सकती, फिर भी बालक ईश्वर से इसकी इन इच्छाओं को पूरा करने की प्रार्थना करता है। तो ये सब इच्छाएं, जितना भी इच्छाएं, सब मनुष्य के अंदर में जितना इच्छा है, यानी छोटे बालक के मन में जितना भी इच्छा है वो सब पूरी नहीं होती, यानी कोई कोई इच्छा पूरी हो जाती है, कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती, तो जो इच्छा पूरी नहीं होती उसके लिए यहाँ पर क्या किया कि उनकी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना भगवान से हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं।
ठीक है, वह कौन सा कविता है जो छोटे बालक प्रार्थना करते हैं भगवान से, आइए पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से सुनिएगा और पेज नंबर 82 निकालो अपना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बुक, पेज नंबर 82 निकालो और चैप्टर 12, यानी ये चैप्टर 12 में पेज नंबर 82 यहाँ पर है नई प्रार्थना। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, मैं जो पढ़ूंगा उसको आप लोग ध्यान से सुनना है। ठीक है, वह शक्ति हमें तो परम पिता, लिख सकूं एक अच्छी कविता। तो यहाँ पर छोटे वाला क्या इच्छा है उनके मन में कि उन्हें वो भगवान से प्रार्थना कर रहे कि वह शक्ति हमें तो परम पिता, हमें वह शक्ति तो परम पिता, लिख सकूं एक अच्छी कविता, मैं एक अच्छी कविता लिख सकूं, ऐसे हमें क्या दो शक्ति दो, यानी मन में शक्ति दो, बुद्धि दो, तो मैं एक अच्छी सी कविता लिख सकूं, बोल करके एक बच्चे के मन में क्या है इच्छा है। ठीक है, उसके बाद में वो बच्चे बोल रहे हैं कि ऐसी कविता सुनकर, ऐसी कविता जिसको सुनकर माँ अपना गुस्सा भूल जाए, तो मैं ऐसी कविता लिखूं जिसको सुनकर के माँ अपनी जो गुस्सा मुझ पर करती है वो भूल जाए, और ऐसी कविता जिसको सुनकर पापा का मन भी फूल जाए, और ऐसी कविता जिसको सुनकर के मैं ऐसी कविता लिखूं जिसको सुनकर के पापा के मन फूल जाए, फूल जाना मतलब यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, फूल जाना मतलब बहुत बहुत खुश हो जाना। ठीक है, तो मैं एक ऐसी कविता लिखूंगा जिसको सुनाने से, जिसको सुनने से माँ अपनी जो गुस्सा है वो भूल जाए, पापा हैं जो पापा जो हैं वो अपनी पापा जो हैं वो उनके मन बहुत खुश हो जाए, इस तरह से कविता लिख सकूं, ऐसे मुझे शक्ति दो, बोल करके यहाँ पर एक जो बच्चे हैं उनके मन में इस तरह से इच्छा रहता है, बोल करके यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसी कविता सुन जिसको सुनकर जो ऐसी कविता जिसको सुनकर सो जाए पड़ोस का हलवाई, मैं बड़े मौज से खा जाऊं उनकी दुकान की मिठाई। तो यहाँ पर और एक पंक्ति लिखा है कि ऐसी कविता सुनकर जो सो जाए पड़ोस का हलवाई, तो पड़ोस के जो हलवाई है वो मैं कविता सुनाऊं तो वो क्या करे कि सो जाए, उसके बाद में सोने के बाद में उसके जो जितना भी मिठाई है वो जितना भी उसके दुकान में मिठाई है सारे मिठाई को मैं खा लूँ, बोल करके एक बालक के मन में यानी बच्चे के मन में इस तरह से इच्छा है। ठीक है, उसके बाद में ऐसी कविता जिसको सुनकर स्कूल खेल मैदान बने, पढ़ने की मेज और कुर्सी झट दौड़े वायुयान बने। यहाँ पर और एक बता रहे हैं, एक पंक्ति है कि इसमें लिखा है कि ऐसी कविता जिसको सुनकर स्कूल खेल मैदान बने, यानी ऐसी कविता मैं सुनाऊं जो कि ऐसी कविता लिखूं जो कि स्कूल खेल, स्कूल जो है वो क्या बन जाए कि खेल का मैदान बन जाए और मैं हमेशा वहां पर क्या करूं खेलता रहूं। पढ़ने की मेज और कुर्सी झट दौड़े वायुयान बने, पढ़ने की जो मेज रहते हैं और कुर्सी वो क्या बन जाए झट से वायुयान बन जाए, यानी उसमें चढ़ करके हम आसमान में उड़ सके, इस तरह से बच्चे के मन में क्या रहता है इच्छा रहता है। मैं उड़ूं बहुत ऊपर नभ में अपने टांगों को लिए साथ, छू छू आऊं चांद सितारों को, मेरे हो जाए अजब ठाक। उसके बाद में यहाँ पर और बोल रहे हैं कि बच्चे मैं उड़ूं बहुत ऊपर नभ में अपनी टॉमी को लिए साथ, यानी मैं अपने पास एक टॉमी है उसको लेकर के मैं कहाँ पर उड़ जाऊं, नभ, नभ यानी आकाश में उड़ जाऊं, और छू आऊं चांद सितारों को, मेरे हो जाए अजब ठाक, यानी मैं आसमान में जो भी है चांद सितारे जो भी है उसको मैं क्या करूँ छू करके आ जाऊं, छू करके आ जाऊं, मैं अपने टॉमी के साथ में जाऊं और आसमान में जो सितारे हैं और चांद है उसको मैं छू करके आ जाऊं और बड़े ठाट वाट से मैं रहूं, बोल करके वो यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर है मैं दूं सबको आशीर्वाद, मुझको झट को हर चीज याद, मैं सबको आशीर्वाद दूं ऐसे मुझे शक्ति दो प्रभु, और मुझको झट को हर चीज याद, मैं ऐसे ही मुझे शक्ति दो जो कि जो भी पढ़ूंगा मैं झट से याद हो जाना चाहिए, यानी तुरंत याद हो जाना चाहिए। कक्षा में फर्स्ट क्लास आऊं प्रभु तो कविता का यह प्रसाद, मुझे कविता का इस तरह से प्रसाद दो प्रभु, बोल करके यहाँ पर बच्चे बोले प्रसाद को मतलब देते हैं क्या यहाँ पर कृपा। ठीक है, तो बच्चे के मन में क्या क्या यहाँ पर ख्याल है यानी इच्छा है मैं आप लोग को बता दिया कि यहाँ पर एक बार मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको, उसके बाद फिर से एक बार अच्छे से आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, वह शक्ति हमें तो परम पिता, लिख सकूं एक अच्छी कविता, ऐसी कविता जिसको सुनकर माँ अपना गुस्सा भूल जाए, ऐसी कविता जिसको सुनकर पापा का मन भी भूल जाए फूल जाए, ऐसी कविता जिसको सुनकर सो जाए पड़ोस का हलवाई, मैं बड़े मौज से खा जाऊं उनकी दुकान की मिठाई,
ऐसी कविता जिसको सुनकर स्कूल खेल मैदान बने, पढ़ने की मेज और कुर्सी जग दौड़े वायुयान बने। मैं उड़ू बहुत ऊपर नभ में अपने टॉमी को लिए साथ, छू आऊं चांद सितारों को, मेरे हो जाए अजब ठार। मैं तुम सबको आशीर्वाद, मुझको झट को हर चीज याद, कक्षा में फर्स्ट क्लास आऊं, प्रभु तो कविता का यह प्रसाद। तो इस तरह से ये कविता है, एक बार आप लोग को फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे क्या कह रहे हैं कि कविता यानी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह शक्ति हमें तो परमपिता, यानी हमें इस तरह से शक्ति दो परमपिता, लिख सकूं एक अच्छी कविता, मुझे एक अच्छी कविता लिखने की क्या दो शक्ति दो। ऐसी कविता जिसको सुनकर माँ अपना गुस्सा भूल जाए, मैं इस तरह से एक कविता लिखूं जिसको सुन करके मैं कविता लिखूंगा और उसको अपने मम्मी के पास में सुनाऊंगा, तो उसको सुन करके मम्मी क्या करे कि अपना जो गुस्सा है उसको भूल जाए और मुझे लाड प्यार करे। ऐसी कविता जिसको सुनकर पापा का मन भी भूल जाए, इस तरह से कविता सुनाओ, कविता लिखूं, लिखने की शक्ति दो और मैं अपने पापा को सुनाऊं, तो पापा मेरे जो कविता है उसको सुन करके खुशी से बहुत उनका मन क्या हो जाए, बहुत खुश हो जाना चाहिए, पापा मेरे कविता को सुन करके बहुत खुश हो जाना चाहिए। ऐसी कविता जिसको सुनकर सो जाए पड़ोस का हलवाई, तो एक ऐसी कविता लिखूं जो कि जो हलवाई, हलवाई बोलने से मिठाई वाला जो रहते हैं उनका हलवाई बोलते हैं, तो ऐसी कविता जिसको सुनकर मैं ऐसी कविता लिखूं जिसको सुनकर के जो हलवाई वाला है वो क्या करे अपनी दुकान में ही सो जाए और मैं उनके दुकान की सारी मिठाई क्या करूं खा लूं। मैं बड़े मौज से खा जाऊं उनकी दुकान की मिठाई, यानी वो मैं कविता सुनाऊं, इस तरह से मैं कविता सुनाऊं जिस कविता को सुनकर के जो हलवाई है वो क्या करे कि सो जाए और उनके दुकान की सारी मिठाई को मैं क्या करूं खा जाऊं। इस तरह से बच्चे के मन में क्या रहता है, इच्छा रहता है, ठीक है। ऐसी कविता जिसको सुनकर स्कूल खेल मैदान बने, यानी इस तरह से कविता आप लिखने की मुझे शक्ति दो, जिस कविता को लिखूं और सुनाने से स्कूल क्या बन जाए, स्कूल खेल का मैदान बन जाए, ठीक है। फिर वहां पर हम सारे क्या करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। पढ़ने की मेज और कुर्सी झट दौड़े वायुयान बने, पढ़ने की कुर्सी और मेज जो है वो सुनकर के क्या बन जाए, झट से तुरंत क्या बन जाए, वायुयान, यानी वायुयान का मतलब क्या है, हवाई जहाज, ठीक है। मैं उड़ू बहुत ऊपर नभ में अपने टॉमी को लिए साथ, मैं अपने टॉमी को साथ में लिए, टॉमी का मतलब यहाँ पर एक कुत्ता को दिया है, यहाँ पर चित्र, ये बच्चे का चित्र है, यहाँ पर टॉमी का चित्र है, आप लोग देख रहे हो, तो टॉमी अपने टॉमी को साथ में लेकर के कहाँ पर उड़ जाऊं, बोल रहे ये बच्चा आसमान में उड़ जाऊं, अपने टॉमी को लिए साथ, छू आऊं चांद सितारों को, यानी ऊपर में आसमान में जाकर के मैं क्या करूं जो चांद सितारे हैं उसको क्या करूं मैं छू करके आ जाऊं, छू आऊं चांद सितारों को, मेरे हो जाए अजब ठार। जब मैं चांद और सितारों को छू करके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा उस समय में मेरा ठाठ हो जाएगा, ठाठ मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, तड़प भड़क, ठीक है। मैं दूं सबको आशीर्वाद, मुझको झट हो हर चीज याद, मैं सबको ऐसे आशीर्वाद दूं जो कि मुझको हर चीज क्या हो जाए, झट से यानी तुरंत याद हो जाए। कक्षा में फर्स्ट क्लास आऊं, प्रभु तो कविता का वह प्रसाद, मैं कक्षा में फर्स्ट क्लास आने आ जाऊं, इस तरह से मुझे क्या दो प्रसाद दो, प्रभु बोल करके यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या ईश्वर से क्या कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके इस कविता के कवि कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये एक कविता है, तो कविता के कवि कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है वो बच्चे के मन में क्या क्या रहते हैं उनको ये प्रार्थना के माध्यम से, कविता के माध्यम से यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो बच्चे के मन में बहुत सारे छोटी छोटी क्या रहती हैं, इच्छाएं उठती हैं, उन्हें हम बच्चे क्या करते हैं आपस में बातचीत भी करते हैं, अपने दोस्त के साथ में बातचीत भी करते हैं और उन्हें बताते भी हैं कि मेरे में ये इच्छाएं पूरी करके जिन्हें आप आसानी से पूरा करना चाहते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं उस इच्छा को आसानी से पूरा करना चाहते हैं। और माँ का गुस्सा न करना, पिता का लाड़ प्यार, बिना किसी की रोक टोक के ढेर सारी मिठाई खाना, यानी माँ कभी उनके ऊपर गुस्सा न करे, पिता उनको हमेशा क्या करे प्यार करे, इस तरह से वो क्या करते हैं कि उनके मन में ढेर सारी इच्छाएं रहती है और वो क्या करे उनके छोटे बच्चे जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि उनकी क्या इच्छा रहती है, ज्यादा मिठाई खाना, यानी मीठा मीठा चीज को खाने को बहुत पसंद करते हैं, चॉकलेट मिठाई लड्डू ये सब खाना छोटे बच्चे बहुत पसंद करते हैं।
आसमान में पक्षियों की तरह उड़ना भी वो लोग बहुत पसंद करते हैं, आसमान में पक्षियों की तरह उड़ना। हम लोग कभी कभी बच्चे लोग को मेले में ले जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, जो मेले में खेलने के लिए बहुत सारे चीज रहते हैं उसमें बैठने के लिए, उड़ने के लिए, झूलने के लिए, ये सब रहता है उसमें, उन लोग को बैठने में बहुत बड़ा बहुत मजा आता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे के मन में बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं। ये सभी इच्छाएं हालांकि इतनी आसानी से पूरी नहीं हो सकती, फिर भी बालक ईश्वर से उनकी इन इच्छाओं को पूरा करने की प्रार्थना करते हैं। तो ये सब इच्छाएं हालांकि तुरंत प्राप्त बच्चे लोग को नहीं होती। ठीक है, तो आसानी से पूरी नहीं होती ये सब इच्छाएं, तो तब भी बच्चे क्या करते हैं कि ईश्वर से ये सब की इच्छाओं की पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये कविता आप क्या करोगे, इस कविता को आप लोग बारंबार 8-10 बार इस कविता को अच्छे से पढ़ोगे, तब क्या होगा कि आप लोग को याद होगा। और इसका जो कठिन शब्द है सिद्धार्थ, मैं आप लोग को बताया कि प्रार्थना, विनती, शक्ति, ताकत, नभ, आकाश, ठाट, तड़क भड़क, आशीर्वाद, आशीष, फूल जाना, बहुत खुश होना, वायुयान, हवाई जहाज, प्रसाद यानी कृपा, इस तरह से ये जो कविता के शब्दार्थ है ना, इसको आप लोग क्या करोगे, पढ़ोगे और याद रखोगे, ताकि आप लोग को कोई भी जो कठिन शब्द है उसका अर्थ आसानी से जान सको। ठीक है, तो ये कविता समाप्त हो चुका, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम है, असुविधा है, तो जैसे ही स्कूल खुलेगा तब आप लोग आके मुझे कुछ डाउट रहेगा तो आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, इस कविता का जितना भी कठिन शब्द है उसको आप लोग क्या करोगे, पढ़ोगे और याद रखोगे, और कविता को भी क्या करना है आप लोग को, पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, मौखिक यहाँ पर है, इस कविता के माध्यम से बालक अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कविता के माध्यम से बालक क्या क्या इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, मम्मी पापा का प्यार हमेशा बना रहे, यानी मम्मी उनके ऊपर में कभी भी गुस्सा या कभी भी ना डांटे, और मिठाई खाने का भी इच्छा रहता है बच्चे का, बहुत मिठाई खाने का इच्छा रहता है, और क्या रहता है यहाँ पर जो स्कूल है, मैं कविता सुनाने से स्कूल जो है वो खेल का मैदान बन जाए, हमेशा यहाँ पर मैं खेलता रहूँ, पढ़ने का भी मन नहीं करता बच्चे लोग को, ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता, खेलने में ज़्यादा रुचि रखते हैं बच्चे लोग, जितने भी छोटे बच्चे हैं वो सब क्या करते हैं कि खेलने में उनके ज़्यादा रुचि रहता है। ठीक है, और क्या करते हैं कि आसमान में उड़ने का उनका बहुत इच्छा रहता है, छोटे बच्चों का आसमान में उड़ने का बहुत इच्छा रहता है, और क्या रहता है, चांद और सितारे को छू आने का भी उनका इच्छा रहता है, और उनको इस तरह से इच्छा रहता है कि क्लास में बिना पढ़े फर्स्ट आना चाहिए, इस तरह से उनको प्रभु इस कविता में उनको प्रसाद प्रभु को इस कविता में वो क्या कर रहे हैं, प्रसाद मांग रहे हैं, प्रसाद का मतलब है ईश्वर से प्रार्थना करके कृपा मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग का पार्ट 12 नई प्रार्थना, ये कविता आप लोग का समाप्त हो चुका, और आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको आप लोग क्या करोगे, आप घर में अपने बुक निकाल करके पेज नंबर 82 इसको 3 या 4 बार पढ़ोगे और याद करोगे इस कविता को, एक एक पंक्ति के हिसाब से, एक एक पंक्ति यहाँ पर 5 पंक्ति है, 5 पंक्ति को एक एक बार करके पूरा अच्छे से पढ़ोगे और इसको क्या करोगे आप लोग याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ उत्तर है, मैं प्रश्न है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कभी स्कूल को क्या बनाना चाहता है, कभी स्कूल को जो कमी है स्कूल को क्या बनाना चाहता है, यहाँ पर उत्तर में है खेल का मैदान, पुस्तकालय, मंदिर, तीनों में से कौन सा बनाना चाहता है, ये खेल का मैदान। ठीक है, इसको अगले खाने में है, बालक कक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त करना चाहता है, बालक जो है वो कक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त करना चाहता है, तो यहाँ पर है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो कौन सा होगा प्रथम। उसके बाद में कविता सुनकर कौन अपना गुस्सा भूल जाए, कविता सुनकर के जो बच्चे हैं उनके माँ, यानी यहाँ पर बच्चे के माँ है वो गुस्सा भूल जाए, बोल करके यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बालक कहाँ उड़ना चाहता है, बालक जो है वो कहाँ पर उड़ना चाहता है, धरती पर, आकाश में, घर के ऊपर, तीनों में से कौन सा होगा आकाश में। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसको आप लोग क्या करोगे, पढ़ोगे अच्छे से याद रखोगे, और इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको बाद में आप लोग करोगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग इस कविता को अच्छे से समझ गए होंगे, और
हमेशा क्या करते रहोगे आप लोग, जो बुक है ना खाली समय रहता है उसमें क्या करोगे आप लोग, हमेशा बुक को निकाल के कुछ भी, अगर एक बुक अगर आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरा बुक निकालना, दूसरे बुक अगर पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है तो कुछ बुक निकाल के आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहोगे खाली समय में। अगर पढ़ने में अगर बोर लगेगा तो क्या करोगे आप लोग, अपना कॉपी निकालना और जो कविता है जो आपको अच्छा लगे लिखने के लिए उसको आप लोग क्या करोगे एक एक करके आराम से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आप लोग लिखोगे। ठीक है, धन्यवाद।